फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज, जिसे कि मधुमेह और लोकल लैंग्वेज में शुगर के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज़ क्या होता है? जब हमारे शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने का होता है। यही वह हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में मुश्किल होती है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। डायबिटीज़ के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपको मालूम होना चाहिए। डायबिटीज़ महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा होता है। एक बार यह हो जाता है तो पूरी ज़िंदगी यह बना रहता है। यह खान पान की आदतों और किसी भी तरह की डाइट से नहीं होता है। यदि आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो इससे आपको और भी कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा भी बना रहता है। ये कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपको मालूम होना चाहिए। अब आप जानिए कि डायबिटीज़ जो है वह कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली जो मुख्य इसके टाइप होते हैं वह तीन होते हैं, जिसमें होता है टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय में मौजूद उन कोशिकाओं को ख़त्म कर देती है जो इंसुलिन बनाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ की समस्या आमतौर पर बच्चों और यूथ में देखी जाती है, हालांकि ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रसित व्यक्ति को जीवन रहते इंसुलिन रोज़ाना लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर या तो इंसुलिन बनाता नहीं है या उसका सही तरीके से यूज़ नहीं करता है। डायबिटीज़ का यह प्रकार किसी भी उम्र में हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है। हालांकि ये ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग के लोग होते हैं उन्हें होता है, या फिर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें यह समस्या देखी जाती है। डायबिटीज़ का यह प्रकार सबसे आम है। अधिकांश लोग इसी तरह के डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं। तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होती है। ज़्यादातर मामलों में डिलीवरी के बाद यह डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। हालांकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के बाद आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो जाती है। अब आप समझिए कि डायबिटीज़ के कौन से मुख्य कारण होते हैं। इसका जब सबसे पहला मुख्य कारण होता है वह होता है आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाना। आहार संबंधी कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि यदि आप भोजन में विटामिन डी कम लेते हैं या फिर आप इसे नहीं खाते हैं तो इससे भी आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। पारिवारिक कारण भी हो सकता है। यदि आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रही हो तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाए। वजन के कारण भी डायबिटीज़ हो सकता है। आपके टिश्यूज़ जितने मोटे होंगे आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के कार्य में उतनी बाधा डालेंगी, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की समस्या उत्पन्न होगी। असामान्य कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर। अगर आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल या अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, यदि यह बहुत कम है, आप एक ही जगह पर रहकर सारा काम करते हैं, अपने वजन को मेंटेन नहीं करते हैं और आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर अधिक होने पर टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा होता है। PCOS, महिलाओं में PCOS होने के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी यह समस्या आपको हो सकती है। तो ये कुछ मुख्य कारण होते हैं जो कि डायबिटीज़ होने के होते हैं। अब आप देखिए कि डायबिटीज़ के आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। शरीर में पानी की कमी होना। यदि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है, आपको बार बार प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, तो यह डायबिटीज़ का एक लक्षण होता है। बहुत ज़्यादा भूख लगना। यदि आपको ज़रूरत से ज़्यादा भूख लग रही है, आपने कुछ खाया है और आपको तुरंत ऐसा लग रहा है या कुछ समय बाद ऐसा लग रहा है 1-1.5 घंटे बाद कि आपको भूख लगी है, आपको कुछ खाने की ज़रूरत है, तो आपको एक बार अपना डायबिटीज़ का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अधिक पेशाब लगना। यदि आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लग रहा है, बार बार आपको पेशाब जाने की ज़रूरत हो रही है, तो इसकी
यह एक सिम्टम्स होता है डायबिटीज़ का, तो ऐसे में आपको इसकी वजह से भी चेकअप कराने की ज़रूरत होती है। आपका वजन अचानक से कम हो जाना या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, घाव छाले या कट जाने पर जल्दी ठीक नहीं होना यानी घाव का लंबे समय तक बने रहना, थकान महसूस होना, त्वचा में खुजली, इन्फेक्शन होना, मतली होना, मुंह सूखना, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वह आपको डायबिटीज़ होने पर दिखाई देते हैं। डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए आप किस तरह के टेस्ट करवा सकते हैं, तो इसमें आप मेनली दो में से किसी एक टेस्ट को करवाइए। इन दोनों में से यदि आप किसी एक टेस्ट का करवाते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज़ है या फिर नहीं है। पहला जो इसमें टेस्ट होता है वह होता है हीमोग्लोबिन A1C। हीमोग्लोबिन A1C या फिर ग्लाइको हीमोग्लोबिन टेस्ट यह जांचता है कि रेड ब्लड सेल्स में कितना ग्लूकोज मौजूद है। इस टेस्ट का इस्तेमाल डायबिटीज़ के निदान के लिए किया जा सकता है। यह टेस्ट यह भी दिखाता है कि पिछले 2 से 3 महीनों में आपका डायबिटीज़ कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल रहा है, आने वाले समय में आपको डायबिटीज़ के लिए दवाइयां लेनी पड़ेंगी या फिर नहीं लेनी पड़ेंगी। तो इस टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपको डायबिटीज़ है या फिर नहीं। दूसरा जो टेस्ट होता है वह होता है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट में आपने आखिरी बार क्या खाया है इसकी परवाह किए बिना ब्लड शुगर की जाँच की जाती है, जिसके बाद आपको यह पता चलता है कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। अब देखते हैं कि यदि आपको शुगर होता है तो आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए सभी प्रकार का वसा, प्रोटीन और फाइबर खराब नहीं होता है। कुछ प्रोटीन, कुछ वसा ऐसे होते हैं जो कि आपको डायबिटीज़ में खाने से फ़ायदा होता है। सब्जियों में आपको फूल गोभी खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, मक्का, ब्रोकली, करेला खाने से आपको काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही आप फलों में सेब, आम, अनानास, अमरूद और तरबूज खाइए, तो ये आपको डायबिटीज़ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं पहुंचाएंगे। अनाज में आपको क्या खाना चाहिए, आप बाजरे की रोटी खाइए, डोसा आप खा सकते हैं, मसूर की दाल खाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ब्राउन राइस खाइए और बेसन का आप सेवन करिए, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही आम के पत्ते, इसका प्रयोग आपको किस तरह से करना है, आम के कुछ ताज़ा पत्तों को 1 गिलास पानी में उबालें और इस पानी को रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। सुबह खाली पेटी से पीने से आपका जो शुगर है वह काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। आंवला खाने से भी आपको फ़ायदा मिलता है, आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, यह आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, इससे आपका शुगर काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा, कंट्रोल रहेगा। आपको क्या नहीं खाना चाहिए, तो यदि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप मीठी चीज़ों का परहेज करें। आपको मीठी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मीठी चीज़ों में आपको गुड़, शहद, मिठाई, इसके अलावा क्रीम, आइसक्रीम, केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, जिस तरह की ये चीज़ें होती है जो कि स्वीट होती हैं, इन्हें आपको नहीं खाना चाहिए। तेल वाले अचार, तला हुआ पापड़, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, ये भी आपको नहीं खाना है, इससे भी आपके डायबिटीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। आप कोल्ड ड्रिंक, हाई ड्रिंक, शरबत, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। आपको शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी है, इससे भी आपके शरीर को नुकसान पहुँचता है। आप फलों में कुछ इस तरह के फल जैसे कि फ्रूट जूस, फ्रूट मिल्क शेक, नारियल पानी, ये चीज़ें आपको नहीं पीनी है, इससे डायबिटीज़ में प्रॉब्लम होती है। कुछ सब्जियां जैसे कि कच्चे केले, आलू, शकरकंद, रतालू, इस तरह के जो सब्जियां होती हैं वो भी आपके लिए नुकसानदायक होती हैं, तो आपको इस तरह की सब्जियां भी नहीं खानी है। अब यदि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है या आपके शरीर में किस तरह की गंभीर समस्याओं को पैदा कर सकता है, तो यह आपकी आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इससे आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में दर्द की समस्या हो सकती है और चीज़ें धुंधली दिखाई देने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इससे आपको स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, जिन लोगों को मधुमेह होता है उनको त्वचा की प्रॉब्लम, त्वचा में इन्फेक्शन, खुजली, इस तरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती हैं, तो आपको डायबिटीज़ होती है तो इस तरह की समस्याएं भी आपको हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा अपना डायबिटीज़ मेंटेन करके रखना है। हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय की मांसपेशियों को ब्लड की आपूर्ति कम हो जाती है, इससे आपको
हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की आशंका भी काफ़ी बढ़ जाती है। पैरों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मधुमेह होने के कारण आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी समस्याएं भी आपको डायबिटीज़ होने पर हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।